दोस्तों हम लोग अभी अमृत धारा पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं अमृत धारा का झरना कितना अच्छा गिर रहा है, धुआंधार। ये देखिए, और हमारे सभी दोस्तों, आज हम लोग सभी परिवार, सभी स्टाफ मिलकर हम लोग अब अमृत धारा जल प्रपात देखने जा रहे हैं। और वहाँ देख सकते हैं, अभी के रास्ता अभी रास्ते में है। स्कॉर्पियो में सभी परिवार बैठे हुए हैं हम लोग, और जा रहे हैं। अभी घाट चल रहे हैं, अभी हम लोग ये घाट भी हम चिरमिरी होते हुए जा रहे हैं दोस्तों। तो घाट भी जिस मैन पार्ट का घाट है उसी ही चढ़ना पड़ता है, सांप जैसा टेढ़ी मोड़ी चलना पड़ता है। तो आप लोग कभी गए होंगे तो देखे होंगे, और नहीं गए भी होंगे तो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये हम लोग अभी चिरमिरी से पार होते हुए हम जाएंगे। देखिए चिरमिरी ऊँचे स्थान में है, और जैसे पूरा पहाड़ को पार करते हुए जा रहे हैं हम लोग। पहाड़ी क्षेत्र है पूरा, जैसे कि हिमाचल प्रदेश हो गया और अरुणाचल प्रदेश या नेपाल हो गया, उसी क्षेत्र में ये चिरमिरी शहर बसा हुआ है, और कोयला के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। और यहाँ कोयला बहुत मिलता है, तो कोयला निकाला जाता है चिरमिरी से। नीचे में बोलते हैं कि गड्ढा है, और ऊपर में पूरा शहर बसा हुआ है। दोस्तों अभी हम लोग अमृत धारा जलप्रपात पहुंच चुके हैं हम लोग। यह है यहाँ पर प्रवेश का रास्ता है। ये दुकान वकान पर लगा हुआ है, गरीब परिवार ऊपर के थोड़ा दूर पैदल जाना पड़ता है, समथिंग 200 मीटर की दूरी अमृत धारा जलप्रपात पहुँचने के लिए चलना पड़ता है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, तो वजन नहीं है धनी। और ये देख सकते हैं नजारा इधर का, और हम लोग पहुंच ही गए हैं। देख सकते हैं आगे की ओर दिखाई दे रहा होगा थोड़ा बहुत। ये देखिए, ये है पूरा अमृत धारा का नजारा। ये हल्दू नदी से बहते हुए आ रहा है। दोस्तों हम लोग अभी अमृत धारा पहुँच चुके हैं। देख सकते हैं अमृत धारा का झरना कितना अच्छा गिर रहा है, धुआंधार। ये देखिए, और हमारे सभी फैमिली यहाँ पर आ चुके हैं देखने के लिए। ये देखिए, हमारे कॉलोनी के सभी स्टाफ एवं सभी परिवार लोग आए हुए हैं, और हम लोग आज पिकनिक मनाने भी आए हुए हैं। यहीं पर आज खाना पीना बनाएंगे। ये देख सकते हैं इधर का नदी झरना, इधर से पानी बहता है। जो अमृत धारा का जो नदी है वो हंसदेव नदी से बहते हुए ये अमृत धारा जलप्रपात गिरता है। और यहाँ टूरिस्ट लोग घूमने फिरने वाले की कमी नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे आए हुए हैं, और यहाँ जगह जगह में अपना बैठ के अपना मनोरंजन कर रहे हैं। और इधर का नज़ारा आप लोग दिखा रहा हूँ पूरे चारों तरफ से। ये है, ऐसे है पूरा पथरीली इलाका है, ये जो यहाँ साइड साइड से यहाँ से देख सकते हैं आप लोग पूरे यहाँ तक वहाँ तक। ये देखिए कितना खतरनाक है। और आप लोगों को दिखाऊंगा, एक मछली पकड़ रहा है। ये देखिए, ये मछली पकड़ रहे हैं। दोस्तों हम लोग अभी खाना पीना बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ चिकन लाए हैं, आज देसी मुर्गा खाएंगे। देसी मुर्गा को काट के लाए हुए हैं हम लोग यहाँ पर, और ये बनना स्टार्ट हो गया है। दोनों कढ़ाई में, एक कढ़ाई में पूरा मुड़ी गोड बन रहा है, एक कढ़ाई में पूरा मांसे मांस बन रहा है। तो हमारे ड्राइवर जी बना रहे हैं, और हमारे स्टाफ यहाँ धोती खोल के यहाँ
चल रहे हैं कि इतना गर्मी है यहाँ पर दोस्तों कि मत बोलिए, बहुत पथरीली इलाका है, बहुत गर्मी की वजह होने के कारण हम लोग पैंट शर्ट पूरा निकाल चुके हैं। और ये देखिए हमारे महिला लोग पार्टी का अलग ही यहाँ बैठे हुए हैं, और ये पूरा चारों तरफ से पूरा पथरी होने के वजह से यहाँ पर बहुत गर्मी लगता है और पानी बह रहा है। पानी बहने का तो कोई हाफी कर हम लोग इधर खाने पीने गए थे, तो इधर से होते हुए हम जा रहे हैं। देख सकते हैं ये है हमारी धारा का व्यू। हम लोग अभी खा पी के सब कोई झोला झंडा पकड़ कर हम लोग जा रहे हैं, सब स्टाफ यहाँ से पानी गिरता है। और ये हंसदी नदी का पानी इधर से आते हुए ऐसे जा रहा है। आप लोग भी कभी आइए यहाँ पिकनिक के लिए, बहुत अच्छा पिकनिक स्टोर है जो बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। ये उस पार भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं खाना पीना बनाने के लिए और खाकर जा सकते हैं। और हम लोग सभी जा रहे हैं अभी खाना पीना खा के। चलो दोस्तों अभी हम लोग खा पी के बस जब जा रहे हैं, फिर दोबारा फिर देखने आए थे तो शाम का नज़ारा देखिए। शाम का नज़ारा बज चुका है और हम लोग बोले कि एक नए